2002 के गुजरात दंगों में बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाली ज़किया जाफरी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री को किसी भी स्तर पर फंसाने की कोशिश नहीं की थी और उन्होंने अब भी इस पर बहस नहीं की है। दिल्ली की सीमा पर बीते 14 महीनों से डटे किसानों ने आंदोलन की समाप्ति का ऐलान कर दिया है। 11 दिसंबर से सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम जगहों से किसान घर वापसी शुरू कर देंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए युवा मोर्चा के 6 क्षेत्र प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसमें पहलवान बबीता फोगट भी शामिल हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने बुधवार को अपने ट्वीट के माध्यम से छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और घरेलू उत्पादकों से जुड़ने का प्रयास किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बात की।